What's up everybody, Cinematic Abhi here and आज अपने इस चैनल पे एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। वो है टॉप लाइटिंग टेक्निक्स जो हॉलीवुड में यूज होती है। ये सब लाइटिंग टेक्निक्स आपको इजिली समझ में आए इसलिए इस वीडियो में मैंने कुछ डायग्राम भी अटैच किए हुए हैं एंड कुछ मूवीज के मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किए हुए हैं ताकि आपको ये सब लाइटिंग टेक्निक्स इजिली समझ में आए एंड ये सब लाइटिंग टेक्निक्स आप अपने वीडियो में इजिली यूज कर पाए। सो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखें। फिल्म मेकिंग में लाइटिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स देकर डिफरेंट डिफरेंट मूड क्रिएट करना, लाइटिंग के साथ खेलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एज अ फिल्म मेकर मुझे ऐसा लगता है कि अपने को अपना मोस्टली टाइम लाइटिंग को स्टडी करने में लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार सिर्फ अपनी लाइट अच्छी होने की वजह से अपना 50% सिनेमेटिक लुक वहाँ पे ही अचीव हो जाता है। एंड अपनी लाइट अगर अच्छी नहीं है, अगर आपने लाइट को अच्छे तरह से यूज़ नहीं किया है, तो आप कितना भी कंपोजिशन में ट्राई कर लो, कितना भी आप अच्छा कैमरा लेके आओ, तो भी आपका वीडियो अच्छा नहीं बनने वाला है। मैं मूवीज देखता हूँ एंड उन मूवीज में से मैंने कुछ ऐसे लाइटिंग के सीन्स एनालाइज किए हैं जो हॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। सो इस सीरीज में अपने वो सब लाइटिंग टेक्निक्स के बारे में एनालाइज करेंगे। इस वीडियो में अभी अपने एक लाइटिंग टेक्निक के बारे में एनालाइज करेंगे, बाकी जो भी लाइटिंग टेक्निक्स है उसके बारे में अपने अगले वीडियोस में एनालाइज करेंगे। ये सब लाइटिंग टेक्निक्स को आप नोट डाउन करो एंड जब भी आप नेक्स्ट मूवी देखो तो ये सब लाइटिंग टेक्निक्स को आप वो मूवीज के लाइटिंग सीन के साथ एनालाइज करो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि ये लाइटिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ही सीन्स में यूज होती है। सो आज इस वीडियो में मैं एक लाइटिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो है 3-point लाइटिंग टेक्निक। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट स्टार्ट। अरे भाई इतना अंधेरा क्यों है, कोई तो बत्ती जलाओ। हाँ, सो अभी आप ये जो लाइट देख रहे हो वो है 3-point लाइटिंग सिस्टम की सबसे मेन लाइट, की लाइट। की लाइट वो मेन लाइट होती है जो आपके सब्जेक्ट को प्राइमरीली इल्यूमिनेट करती है। की लाइट सब्जेक्ट से 25 टू 50 डिग्री पे प्लेस होती है, बट मेरा फेवरेट है 45 डिग्री। सो यहाँ पे मैंने अपने की लाइट को 45 डिग्री पे प्लेस किया है। आप दोनों में से कोई भी साइड सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको राइट साइड प्लेस करनी है तो आप राइट साइड कर सकते हो, अगर आपको लेफ्ट साइड करनी है तो लेफ्ट साइड कर सकते हो। ये चॉइस टोटली आपके ऊपर है। अभी आप मेरे फेस पे जैसे कि देख पा रहे हो कि एक साइड से बहुत ही अच्छी सॉफ्ट लाइट आ रही है, ये वाले पार्ट पे थोड़ी लाइट है एंड थोड़ा शेड है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो पूरा डार्क है। सो ये जो पूरा डार्क पार्ट है उसको थोड़ा कम करने के लिए 3-point लाइटिंग सिस्टम में एक और लाइट ऐड होती है, वो है फील लाइट। सो अभी आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ से फील लाइट मेरे फेस पे आ रही है, तो यहाँ पे जो डार्क पार्ट था वो बहुत लेवल तक कम हो चुका है। अपने वापस एक बार बिफोर एंड आफ्टर करके देखते हैं, फील लाइट को अपने बंद करते हैं। सो अभी आप देख सकते हो कि पूरा डार्क पार्ट है, वापस अपने फील लाइट स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हो कि ये जो डार्क पार्ट था वो बहुत लेवल तक रिड्यूस हो चुका है। सो फील लाइट का एक ही पर्पज है कि की लाइट से जो शेडो क्रिएट होता है इस साइड पे उसको काफी लेवल तक कम करना। जब भी आप फील लाइट प्लेस करो तब आपको दो चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि फील लाइट की लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। मानो कि अगर मैंने की लाइट राइट साइड पे प्लेस की है तो मेरी फील लाइट लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए, और अगर मैंने अपनी की लाइट को लेफ्ट साइड पे प्लेस किया है तो मेरी फील लाइट राइट साइड पे होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि दोनों की इंटेंसिटी कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम हो गई तो आपके फेस पे एक फ्लैट लुक आएगा जो बहुत ही बोरिंग लगता है। और 3-point लाइटिंग सिस्टम का जो मेन पर्पज है कि आपके फेस पे 3D लुक आना चाहिए, आपके फेस पे शेडो आना चाहिए, वही खत्म हो जाएगा। सो जैसे कि अभी आप मेरे फेस पे देख पा रहे हो कि एक साइड से बहुत ही अच्छी सॉफ्ट लाइट आ रही है, यहाँ से हल्की सी फील लाइट आ रही है, मेरे फेस पे थोड़ा शेडो भी है ताकि एक 3D लुक आपको दिख रहा है, बट फिर भी सीन में कुछ मिसिंग है। वो है कि मैं अपने बैकग्राउंड से इतना डिफरेंशिएट नहीं हो रहा हूँ, मेरे और मेरे बैकग्राउंड के बीच में जो डेप्थ है वो इतनी भी विजिबल नहीं हो रही है। सो यहाँ पे 3-point लाइटिंग सिस्टम में एक और लाइट ऐड होती है, वो है बैक लाइट। सो यहाँ पे बैक लाइट ऐड हो चुकी है। आप देख सकते हो कि मेरे हेयर पे एंड मेरे शोल्डर पे एक हल्की सी लाइटिंग की एक लेयर क्रिएट हुई है जो मुझे और मेरे बैकग्राउंड को एकदम डिफरेंशिएट करी है। सो बैक लाइट का एक ही पर्पज है कि आपके सब्जेक्ट को आपके बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट करना है। सो अब आपको इजिली समझ में आ गया होगा कि 3-point लाइटिंग सेटअप क्या होता है। सबसे पहले होती है की लाइट जो आपके सब्जेक्ट को मेनली इल्यूमिनेट करती है। दूसरी होती है फील लाइट जो की लाइट से जो शेडो क्रिएट होता है ये वाले पार्ट में उसको बहुत लेवल तक कम करती है। एंड तीसरी लाइट होती है जो है बैक लाइट। बैक लाइट को बहुत बार रिम लाइट भी बोलते हैं, फिल्म मेकिंग में मोस्टली इसको रिम लाइट बोलते हैं। तो रिम लाइट का एक ही पर्पज है कि आपके सब्जेक्ट को आपके बैकग्राउंड से डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम अटैच किया हुआ है। सेंटर में सब्जेक्ट है, उसके ठीक सामने कैमरा है, राइट साइड से की लाइट प्लेस की हुई है एंड लेफ्ट साइड पे बाउंस और फील लाइट है। आपको हर बार फील लाइट देने के लिए लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रिफ्लेक्टर है तो सिर्फ आप रिफ्लेक्टर यूज करके भी थोड़ा बाउंस लाइट दे सकते हो। एंड की लाइट के एकदम ऑपोजिट साइड में बैक लाइट प्लेस की हुई है।
सो यहाँ पे 3-point लाइटिंग सेटअप आप देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने कुछ मूवीज के स्क्रीनशॉट भी अटैच किए हुए। तो पहला जो स्क्रीनशॉट है वो फाइट क्लब मूवी का है, जिसमें आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट के लेफ्ट साइड से की लाइट है, सब्जेक्ट की राइट साइड से हल्की सी फील लाइट है, एंड पीछे हेयर एंड शोल्डर इल्यूमिनेट हो रहा है, वहाँ पे बैक लाइट दी हुई है। दूसरा जो स्क्रीनशॉट है वो अनब्रोकन मूवी का है, आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट की राइट साइड से की लाइट आ रही है, लेफ्ट साइड पे फील लाइट है, एंड शोल्डर पे एक लाइन है, एक लाइट है जो इल्यूमिनेट हो रही है, वो है बैक लाइट। तीसरा जो स्क्रीनशॉट है वो है द ट्रूमैन शो का, जिसमें आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट की लेफ्ट साइड से की लाइट आ रही है, राइट साइड से हल्की सी फील लाइट है, एंड पीछे हेयर इल्यूमिनेट हो रहा है, वहां से बैक लाइट दी हुई है। सो आई होप 3-point लाइटिंग सेटअप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। हॉलीवुड में हर सीन में ये लाइटिंग सेटअप यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारे लाइटिंग सेटअप्स है जो यूज होते हैं। अल्टीमेटली वो एक डायरेक्टर एंड सिनेमाटोग्राफर्स की चॉइस होती है कि उसको अपनी स्टोरी के मूड के हिसाब से कौन सा लाइट सेटअप यूज करना है। सो आई होप ये वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइए कि क्या आपने को ये हॉलीवुड लाइटिंग टेक्निक्स की जो सीरीज है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, क्या आपको और हॉलीवुड लाइटिंग टेक्निक्स के बारे में जानना है, मुझे ये डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए। सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड।